चलो भाई यहाँ पे ग्राम पंचायत सर ये है दोस्तों अपने स्कूल तो हेलो गाइस वेलकम है अरे रुके रुके तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो गाइस और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने हाउस से अपने घर से अरे लाइट वाइट बंद कर देते हैं रुके रुके तो दोस्तों सुबह सुबह 4 बजे मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं निकल रहा हूँ बिलासपुर पूरी किस में पिल्लो भी सुबह सुबह रेडी हो गए यहीं पे सोए थे दोनों इसके साथ और मैं भी सोया था ठीक है इस चार्जर को रखते हैं अंदर और मिलते हैं मोटर ब्लॉक सेटअप तो दोस्तों ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है जी पूरा कोहरा छा गया अपनी तरफ तो प्यार से बोलिए भारत माता की जय इधर मेरे दो कमांडो आ रहे हैं मिसेस कमांडो है आधे रास्ते तक मेरे को ये लोग ड्रॉप करें अरे अरे दुश्मन लोग आ गए चलो पिल्लू बाय बाय इधर से दूसरा गैंग है गाइस और इधर के पार्टी कुछ ज्यादा तगड़े हैं सर लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत दिन बाद अपनी बाइक चलाना रहा दोस्तों अपना ग्लव्स उसने घर में ही छोड़ दिया घर मेरे को जाना ही नहीं हुआ चल मैं नाइट को आया मैं कोरबा से फिर उसके बाद इधर से ही इधर लॉन्ग राइड पे निकल रहा हूँ तो गाइस कोहरे की वजह से हेलमेट का जो वाइजर है ना उसको बंद करना मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा यार शाम में भी कोई जैसे नदी संगे तोर मोला चलेना है जी वाह 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 क्या लोकेशन है गाइस वाह वाह ईसा पता है तीरे का आएगा कोहरे में बादल या बादल में कोहरा आखिर क्या हो रहा दिल की बात तुला भी कहना है वो सनराइज पलकड़ा घाट देखना है वो अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे भाई चंदा मामा एंड माउंटेन नाना जय बजरंगबली फेल देता है तो गाइस हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गाइस कितना ब्यूटीफुल नज़ारा गाइस सुबह सुबह आप लोगों को पलगड़ा घाट का व्यू दिखाता हुआ आपका भाई या भैया जो भी कहो क्या व्यू है वाह वाह झूठ मूठ का वाह 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 इसमें थोड़ा वीडियो बना लेते हैं वाह तो गाइस अपन लोग राज्य मार्ग से कौन से नेशनल हाईवे पहुंच गए कौन सा नेशनल हाईवे आप लोग कमेंट करके बताएं ई मांगो शक्ति दे मांगो शक्ति शक्ति ये ग्राम पंचायत शक्ति में वेलकम जो कि जिला बन गया है किसी न किसी टाइम में ये गांव रहा ही होगा गांव था इसमें कौन क्या मंगाया गाइस बहुत बड़ा ट्रक और ये सामने भी जोरदार ट्रक जा रही है भारत बेंच ने ट्रेन का नाम लिया और ट्रेन हाजिर रायपुर जाने के लिए ये रास्ता भी है गाइस लेकिन अभी इधर का कंडीशन थोड़ा ख़राब होगा सीधे जाओगे तो भी रायपुर इधर से शॉर्टकट पड़ता है तो भाई क्या हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नीचे जोरदार नाला बह रहा है लेकिन इधर के लोग इसको नदी बोलते होंगे साले सस्ता जो बगल में दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को खोखरा ग्राम में बहुत बड़ा जेल है दोस्तों ये ये देख सकते हो बहुत बड़ा जेल तहखाना नहीं बोलेंगे क्या खाना बोलेंगे इसको खोखरा ग्राम क्या क्या नाम रहते हैं अरवा और खोखरा ये है ग्राम अमरताल और इस गांव का देखिए बैरियर आगे रखता है आसमान की ओर जाता हुआ अकलतरा पहुंच चुके हैं हम आज अपने को ट्रक मतलब पूरे रोड में अपने को HR की गाड़ी दिखाई दे रही है इसमें जा रहा खतरों के खिलाड़ी भारत माता की जय अरे भाई 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 तेरी मैं उनको जय बोल रहा था वो हाय बोल रहे थे
कम्युनिकेशन मिस्टेक। बढ़िया छोई दिखे लेकिन। तो दोस्तों अपना बिलासपुर में ही अध्ययन हुआ है 10th to 12th, 12th में फिर डाउन हो गए, डाउन टू अर्थ हो गए। 10th में काफ़ी अच्छा नंबर मिला, 11th से पढ़ाई बिगड़ा अपना, क्योंकि स्कूल मतलब यार क्लास अपना सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगी, 11 बजे तक लगता था, और इधर शहर में भाई सुबह 6 बजे कौन उठे। गांव वाले लड़के नहीं हुआ, अरे नूनी किसे करा था तू, ए नूनी। गांव के लड़के लोग, बहुत कम लड़के लोग 6 बजे उठते हैं, ये तो शहर है भाई, कि रात भर नहीं पड़ता था यार, पढ़ाई कम हो गया जिसकी वजह से थोड़ा डाउन हो गया। फिर अपने को वापस जाना पड़ा अपने गाँव, अच्छा इधर से ही अपना कॉलेज वॉलेज कम्प्लीट हुआ, अच्छा हुआ वापस गए। यहाँ पे चाय दुकान होती थी दोस्तों, वो आयुष जूस कॉर्नर पर। अरे भैया जी कैसे रास्तों से ला रहे हो आप, शायद वो अंकल अपनी रहे लगते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों जगमल चौक, और आगे में अपना स्कूल। यार एक टाइम लगता था बिलासपुर बहुत बड़ा शहर, आने जाने में अपना थोड़ा हालत भेंट हो जाता था ट्रेन से, बहुत बड़ा शहर लगता था, अब तो कुछ भी नहीं लगता। अब देख ही रहा नॉन स्टॉप घर से यहाँ पहुँच गए, ऐसा ही चलता रहा तो अपने लिए तो आने वाले 5-10 साल में दूसरी कंट्री भी कुछ नहीं रहेगी, विदेश यात्रा भी अपन ऐसे ही कर लेंगे बाइक से, क्या पता नॉन स्टॉप कहीं नहीं। और ये देखिए गाइस जो एलियन दिखा रहा है ना, एलियन दिखाई दे रहा होगा, ये पहले था करियर पॉइंट, और ऊपर मेटेक्सन ग्लोबल पब्लिक स्कूल, ये है दोस्तों अपने स्कूल। इधर से अपन लोग अंदर जाते थे, वाह वाह। और इसी एरिया को बोला जाता है गाइस दयाल वन, और इधर से अपन राइट की तरफ नारियल कोटी में रहते थे, फिर वहाँ से कई रूम चेंज किए, बाकी 2 साल तो अपन नारियल कोटी में ही रहे। बड़ा सैड सैड वाला फीलिंग आता था जी, इसमें जाते थे घोरे हॉस्टल, कभी खाना अच्छा नहीं बनता तो यहाँ आ जाते थे भारत तीर्थ हाउस होटल राज में। और ये है गाइस पंजाबी कॉलोनी, सेकंड रूम में इधर लिया पंजाबी कॉलोनी में, फिर थर्ड रूम संगीत विश्वविद्यालय के पास लिया था। सामने में है गाइस गांधी चौक, एक यहाँ का भी समोसा काफ़ी फेमस था इस चौक वाले का, लेकिन कोई खुला नहीं करता या खुला नहीं रखता क्या अभी तो। अच्छा नाश्ता सेंटर खुल गया, ये देखिए ये जो वहाँ पे ना वहाँ नाश्ता करने आते थे अपन। न्यायधानी बिलासपुर में हमारा वेलकम, और यहीं आसपास दोस्तों PS4 सेंटर था, मतलब गेम खेलने के लिए, इस टाइम तो पबजी था नहीं, GTA ये सब खेला करते थे यार, मज़ा आता था। गांधी चौक में अपना वेलकम, चलो गोल बाजार घुमा के लाता हूँ आपको, फिर इस ब्लॉग को करेंगे एंड। और ये दोस्तों यहाँ का लक्ष्मी टॉकीज था, यहाँ पे काफ़ी एडल्ट मूवी चलता था यार, जो कि बंद हो गया इसी के अंदर। अच्छा ये अमर कॉम्प्लेक्स कहाँ का लक्ष्मी टॉकीज बंद हो गया, इसमें सिर्फ एडल्ट मूवी। शायद उसको तोड़ के कुछ दूसरा बना दिया गया है। यहाँ तो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, बाकी दुकानें तो 11 बजे के बाद ही खुलेंगी यहाँ। एक इधर भी एक होटल था दोस्तों, वो भी सुबह 4 बजे नाश्ता बनाकर रेडी रखता था। जगमल चौक पे सिर्फ उनको चाय बिस्किट मिलता था, लेकिन इधर आते थे ना काफ़ी दूर पड़ता था, लेकिन उसी का बढ़िया मस्त नाश्ता बना के देता था, मज़ा आ जाता था। 4 बजे नाश्ता करके घर जाके सो, क्योंकि रात भर अपना जगना होता था जगराता। अरे क्या पहनी हुई थी, सुपरमैन वाला ड्रेस, जय बिरुवली। अच्छी दूरी पर यहाँ का गोल बाजार, फिलहाल गोल बाजार के पहुँचते अपना हालत भेंट हो गया बैठे बैठे।
उसकी खुशबू आ ही रहा है दोस्तों। यहाँ पे है एक होटल, यहाँ पे बनता था सुबह 4 बजे ना। मजा हुआ, बड़े जन कुकर आए यार, देख बड़े जन कुकर दोस्तों। चाय सेंटर और यहाँ पे नाश्ता सेंटर, पोहा के लिए एक प्लेट पोहा कर दे और ब्रेड ब्रेड का पोहा। तो दोस्तों अपना यादें ताज़ा हो गई यार, यहाँ पे खुलता था इन लोग का होटल सुबह 4 बजे बन के रेडी नाश्ता पानी। और बहुत दिन बाद आना हुआ, कई सालों बाद, बड़ा ही अच्छा लगा। स्वाद बिल्कुल वही है